भी मिनट का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है? हाफ होता है। किसके लिए? स्मॉल अपर्चर के लिए। ये खाली स्मॉल अपर्चर पे ही क्यों लगता है? क्योंकि आप ये सारे अप्रोक्सीमेशन तभी ले सकते हैं जब आपका स्मॉल अपर्चर, अगर स्मॉल अपर्चर नहीं है तो क्या करोगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा है। ये भी जो डेरिवेशन आया है इसमें अपन लोगों ने आई बराबर आर आई टू आई तभी तो लिए हैं जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगे हैं, वो हमेशा लगते हैं। तो अगर आपका अपर्चर छोटा भी नहीं है, आपका अपर्चर बड़ा है, तभी आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके बना दो रास्ता, और तब देखो कि f r by 2 के बराबर क्यों नहीं आता है। मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूं। मैं बड़ी अपर्चर के लिए रे डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये हमारा हुआ कौन सा? कॉनकेव, और लेट से इसका अपर्चर बड़ा है, बड़ा अपर्चर ले लिया हमने, और हमने ये पोल हुआ, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और मैंने ये रे लिया है, ये रे लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाऊं? एफ से मिड पॉइंट से ले जाऊं। नियम ये नहीं है कि ये एफ से जाएगी, नियम ये है कि पहले आप नॉर्मल बनाओ, ये एंगल क्या होगा आई, और जितना आई उतना आर, ज्यादा है बड़ा बना दिए क्या? थोड़ा छोटा बनाओ, ठीक है। आई और आर ऑलमोस्ट बराबर बनाने चाहिए, अब भी ठीक है ऑलमोस्ट बराबर है, गुड। पर आप देखो क्या एफ मिड पॉइंट आया है सी इसका, सीपी का, जितना इसे पास लेके आते जाओगे, लेट मी यूज ग्रीन कलर, देखो ये बना नॉर्मल, जितना आई उतना आर, यहां कहीं काटेगा। तो छोटी अपर्चर के लिए फोकस अलग है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली पैरा एक्सियल रेज के लिए फोकस अलग है, मार्जिनल रेज के लिए अलग फोकस है। पैरा एक्सियल रेज के लिए फोकस आर बाई टू के बराबर है, मार्जिनल रेज के लिए फोकस आर बाई टू के बराबर नहीं है, कम है, पास आ गया है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, फोकल लेंथ आधे से भी कम है। इसीलिए अगर आपके पास में एक बड़े अपर्चर का मिरर होगा, उसका एक फोकस नहीं होता है, उसके बहुत हर एक रेज के लिए अलग अलग फोकस है, इसे कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्या बोलते हैं? कि जब स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली सारी एक जगह नहीं मिलती है, जो पास है प्रिंसिपल एक्सिस के वो अलग जगह मिलेंगी, और जो दूर जैसे जैसे आप दूर लेके जाते जाओगे वो रेज आपको अलग जगह मिलेगी, एंड दिस इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। इन दोनों के बीच में आपको रेज का कलेक्शन मिलेगा, भाई बीच वाली यहां कहीं मिलेगी, ये वाली यहां जा रही है, ये वाली यहां जा रही है, तो बीच वाली कहीं बीच में आएगी ना, तो फोकस एक पॉइंट ना होके एक लाइन हो जाएगी पूरी की। तो हम बचना चाहते हैं इन सब झंझटों से, तो हमने बनाया भाड़ में जाए साइज ऊपर नीचे, भाड़ में जाए ऊपर नीचे, अपन लोग बस इतने इतने से को देखेंगे, अपन लोग छोटी अपर्चर पे काम करें, जिससे कि मैथ आसान रहे, और आप फॉर्मूले बना के, हमारे दिमाग की लिमिट है, बाकी तुम्हारे की नहीं है, तुम तो ब्रिलियंट हो ही, बट चूंकि हमें ये समझाना है तो हमने अपने लिए एक लिमिट बना ली कि अपर्चर कैसे को लेके अपन लोग फिजिक्स करने वाले हैं, स्मॉल अपर्चर।